जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो आपके पीजी के कट ऑफ्स हैं इनके बारे में। ये कट ऑफ आपके 26 तारीख के कट ऑफ को भी हम इसमें देखने वाले हैं, इसके साथ ही 27 तारीख के और 28 तारीख के 28 अगस्त 2023। इन तीनों दिन के जितने जितने कट ऑफ किन किन विषयों में आई है वो सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित सभी ऑथेंटिक खबर आप तक इस चैनल के माध्यम से प्रेषित की जाती हैं। तो चलिए बताते हैं एक एक करके कि किन की कट ऑफ यहाँ पर आपकी जारी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका ऑनलाइन जो है ऑफिशियल पोर्टल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जिन जिन विद्यार्थियों ने 26 तारीख, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग जिसकी 26 से स्टार्ट है उसकी लास्ट डेट मिनिमम आपकी 27 तक, यानी कि आज से कुछ की 28 है, कुछ की 29 भी है। तो आप देख सकते हैं इन विषयों को सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से विषय हैं। तो आपके 6 से लेकर के 14 तक में जितने भी विषय आ रहे हैं, एक बार मैं पढ़ते रही हूँ, MSc बॉटनी, MSc फूड टेक्नोलॉजी, MCA, MSc एग्रीकल्चर जूलॉजी, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MA एंशियंट हिस्ट्री, MA फिलॉसफी नॉन सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए है, MA पॉलिटिकल साइंस और MA संस्कृत। इनकी जो आपकी काउंसलिंग है वो कल से, यानी कि बीता हुआ जो कल है 26 तारीख से आपकी स्टार्ट हो रही है, और कब से कब तक चलेगी तो ये आपको आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। अभी हम कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। तो 26 तारीख से स्टार्ट है ये, 28 तक आपकी MSc बॉटनी की चलने वाली है। और आपको ये याद रखना है, दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा करके अपलोडिंग सारा डाउनलोड कर लेना है, अपलोड कर देना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, और शाम 5 बजे से पहले फ़ीस सबमिट करके आपको जो है सबमिट कर देना है। अगर हम बात करें इसमें कट ऑफ की, तो जो SC की कट ऑफ यहाँ पर गई है वो 104 अंक या फिर इसके ऊपर है। इसके अलावा WU की कट ऑफ भी 104 अंक है, और इसके अलावा जो PHWU या स्पोर्ट्स कैंडिडेट है इनके लिस्ट यहाँ ओपन कर दी गई है, आप देख सकते हैं। MSc फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 26 से इसकी काउंसलिंग है, 29 अगस्त तक काउंसलिंग चलेगी, और टाइमिंग आपका वही सबके लिए सेम रहता है, 2 से 5 बजे वाला जो मैंने बताया। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 82 मार्क्स और इसके ऊपर, OBC के लिए 68 मार्क्स और इसके ऊपर, SC, ST और EWS के सारे कैंडिडेट्स और WU भी, ठीक है, SC, ST, EWS और WU जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये सब लोग यहाँ पर आपके अलाउ हैं। ऑल SC, ऑल ST, ऑल EWS और ऑल WU या EW कैंडिडेट्स यहाँ पर अलाउ हैं। इसके साथ इनकी लिस्ट 1 ओपन कर दी गई है PH स्पोर्ट्स या WU कैंडिडेट्स की। अगर MCA की बात करें तो इसकी काउंसलिंग की जो डेट है वो आज तक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अनरिजर्व के लिए 120 अंक और इसके ऊपर, OBC की कट ऑफ यहाँ 96 मार्क्स और इसके ऊपर, और सारे SC ST कैंडिडेट्स यहाँ पर अलाउ हैं, और EW और WU कैंडिडेट्स भी। EWS की कट ऑफ इसके लिए 110 अंक और इसके ऊपर गई है MCA के लिए। MSc एग्रीकल्चर जूलॉजी की बात करें तो इसका काउंसलिंग आप 28 तारीख तक कर सकते हैं, 2 बजे से पहले आपको सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी है और 5 बजे से पहले फ़ीस सबमिट कर देनी है। सारे कैंडिडेट्स यहां पर एग्रीकल्चर जूलॉजी जितने भी लोग एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर्ड हुए थे, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो या अनरिजर्व्ड हो, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो 26 से आपका है, 29 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। इनकी लिस्ट यहाँ ओपन कर दी गई है, PH स्पोर्ट्स या फिर WU कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पर ओपन कर दी गई है, आप देख सकते हैं। MA एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए 26 से आपकी जो है ये डेट है 26 अगस्त से, और 28 तक आपकी इसकी काउंसलिंग चलने वाली है। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी WU, PH और इसके साथ ही स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट जो है यहाँ पर ओपन कर दी गई है फॉर MA एंशियंट हिस्ट्री। नॉन सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए MA फिलॉसफी की यहाँ पर जो है आपकी काउंसलिंग स्केड्यूल जारी की गई है, जो कि 28 अगस्त तक चलने वाली है। अगर हम बात करें अनरिजर्व के लिए 78 मार्क्स और इसके ऊपर, OBC का 45.05 मार्क्स और इसके ऊपर, SC का 35.15 मार्क्स और इसके ऊपर। इसके साथ ही अगर हम MA पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो 28 अगस्त तक आपकी इसकी भी काउंसलिंग चलने वाली है इस फेज की। इसमें भी आपको WU, PH या फिर स्पोर्ट्स कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसको ओपन कर दी गई है, आप देख सकते हैं। लास्ट फेज़ में सारी आपकी PG की काउंसलिंग चल रही है, इसके साथ UG की काउंसलिंग भी अब स्टार्ट कर दी गई है। MA संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ये भी 28 अगस्त तक चलने वाला है। यहाँ पर अनरिजर्व जो संस्कृत है MA, इसमें अनरिजर्व के लिए 142 मार्क्स और इसके ऊपर, OBC की कट ऑफ यहाँ पर गई है 95.4 मार्क्स या फिर इसके ऊपर,
एससी एसटी और जो है डब्ल्यूयू और जो ईडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं इनके लिए ऑल है, ठीक है। एससी एसटी और ईडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूयू, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 115.6 अंक या फिर इसके ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर डब्ल्यूयू पीएच और स्पोर्ट्स कैंडिडेट लिस्ट को यहाँ पर ओपन कर दिया गया, जो आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपको जितनी भी कट ऑफ बताई है, ये कट ऑफ की काउंसलिंग जो है आपकी आज कल और परसों में जो है तक होगी, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है 26 तारीख की। अब जिस काउंसलिंग की हम लोग बात करने वाले हैं वो आपकी है 27 अगस्त की काउंसलिंग। इसके बाद हम लोग 28 अगस्त की काउंसलिंग को भी देखेंगे। 27 अगस्त की काउंसलिंग में आपके पास 3 काउंसलिंग आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक। हमने पहले भी जो है 26 जो है उसकी काउंसलिंग को बताया था, बट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नए उसमें देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 26 तारीख को यही है, तो उसकी लास्ट डेट तब तक गई है, तब आप इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करके अगर आपकी लिस्ट इतने में आ रही है तो आप उसको ज़रूर जो है एनरोल करा के एडमिशन अपना पक्का कर लें। सबसे पहला इसमें है LLB ऑनर्स, LLM और MA या MSc मैथमेटिक्स। ये 3 विषय हैं जिनकी काउंसलिंग आपकी आज से शुरू है। अगर हम LLB की बात करें, LLB ऑनर्स की, तो आपकी आज से शुरू है और 30 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। दोपहर 2 बजे तक आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड और सारी चीज़ों को प्रक्रिया को कर लेना, रजिस्ट्रेशन को, और शाम 5 बजे से पहले 30 अगस्त को ही शाम 5 बजे से पहले आपको क्या करना है, फ़ीस सबमिट करके अपनी सीट पक्की कर लेनी है। कितनी कितनी कट ऑफ गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 180.5 मार्क्स या इसके ऊपर होगा तो आप एलिजिबल हैं। OBC के लिए 169.1 मार्क्स या फिर इसके ऊपर तब आप एलिजिबल हैं। SC के लिए 153 मार्क्स इतना हो या फिर इसके ऊपर। WU PH या स्पोर्ट्स कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट ओपन कर दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरी लिस्ट यहाँ पर ओपन कर दी गई है। अब इसके बाद अगर हम LLM की बात करते हैं, तो LLM जो है आपका, इसका भी आपका आज से यानी 27 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है और 29 अगस्त तक आपकी इसकी काउंसलिंग रहने वाली है। टाइमिंग एज इट इज़ सेम रहेगी। अनरिजर्व्ड के लिए 172.9 मार्क्स और इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। OBC के लिए यहाँ पर कट ऑफ 164 मार्क्स और इसके ऊपर होगा तब। SC की कट ऑफ 154 मार्क्स और इसके ऊपर। EWS की कट ऑफ 170 मार्क्स या फिर इसके ऊपर। WU PH और स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर ओपन कर दी गई है आपके LLM के लिए। MA MSc मैथमेटिक्स को हमने पहले भी बताया था आपको, जब ये रिसेंट आया था, 27 से है 29 तक आपकी आखिरी डेट रहने वाली है 29 अगस्त तक। अनरिजर्व के लिए 127 मार्क्स और इसके ऊपर। OBC 106 अंक या इसके ऊपर। SC 68 मार्क्स या इसके ऊपर। EWS 110.2 मार्क्स या फिर इसके ऊपर। ST के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिस्ट आपकी जो PH फिजिकली हैंडीकैप्ड और आपके WU और स्पोर्ट्स कोटे के हैं उनका भी यहाँ ओपन कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 28 तारीख की काउंसलिंग के लिए लिस्ट ओपन कर दी गई है। अभी इसमें 2 हैं, कोई भी अपडेट होगा तो आपको इसमें 1-2 और जो सब्जेक्ट आपके शाम तक अपडेट हो जाएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक। इसमें अभी तक आपका एक नॉन सब्जेक्ट है आपका MA सोशियोलॉजी का और इसके अलावा MA MSc ज्योग्राफी। सबसे पहले अगर हम बात करें MA MSc ज्योग्राफी की, तो इसकी काउंसलिंग आपकी कल से यानी कि 28 अगस्त से चलने वाली है और दोनों की काउंसलिंग, चाहे ज्योग्राफी की बात करें चाहे MA सोशियोलॉजी की बात करें, 30 अगस्त तक आपकी दोनों की काउंसलिंग चलेगी। 30 अगस्त दोपहर 2 बजे से पहले आपको कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करा लेना है और 5 बजे से पहले अपनी फ़ीस को सबमिट करके सीट को पक्का कर लेना है। ये दोनों केसेस के 30 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब कट ऑफ की बात करें तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके ज्योग्राफी के लिए OBC की कट ऑफ गई है 126 अंक और या फिर इसके ऊपर। SC की कट ऑफ 112.1 अंक या फिर इसके ऊपर। आपका ST के लिए जो कट ऑफ गई है वो है 52.7 अंक या फिर इसके ऊपर, 52.7 मार्क्स या फिर इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर WU, PH या स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर ओपन कर दी गई है। अगर हम नॉन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए MA सोशियोलॉजी की जो कट ऑफ की बात की गई है, 30 तक इसकी आखिरी आपकी काउंसलिंग ये चलेगी। कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 178 मार्क्स एंड इसके ऊपर है तब। इसके साथ WU PHI स्पोर्ट्स कैंडिडेट लिस्ट में यहाँ पर आपकी ये ओपन कर दी गई है। इसमें एक नाम भी दिया हुआ है, अंजलि, तो हो सकता है एक ही लोग बच्चे उसमें हैं तो इसलिए उसका नाम यहाँ पर दे दिया गया है। क्लियर हुई इतनी बातें? तो ये आपकी सारी कट ऑफ थी जो कि आपके साथ जो है डिस्कस करना था। अगर आपने 26 की नहीं देखी क्योंकि उसकी डेट अभी आपकी परसों तक है, तो अगर वो भी आपका विषय है और उसमें अगर आपके मार्क्स लाइक कर रहे हैं, आपका वो
हो रहा है तो आप उसमें जल्द से जल्द करा लें। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट सूचना जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अब आपका जो पीजी का काउंसलिंग है वो अपने लास्ट फेज पे चल रहा है, तो यहाँ से फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आपके हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। तो चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। मैं बता दूं कि फिज़िकल वेरिफिकेशन की कॉल भी यहाँ पर आपकी आ चुकी है बहुत सारे विषय की। जैसे जैसे वो आपको ऑफिशियली नोटिस आता है, जैसे जैसे अपडेट होता है वेबसाइट पर, आपको तुरंत बता दिया जाता है। जैसे आज आप देख रहे हैं कि आपका 28 से जो है ये आपका होने वाला है एमए एमएससी ज्योग्राफी के लिए फिज़िकल वेरिफिकेशन की भी कॉल आ गई है। तो 30 तक अभी वो जब आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं वेबसाइट से भी, या हम भी उस वीडियो उस पर बनाएंगे। तो अगर आप एडमिशन करा लेते हैं आपका उतने दिन में है तो आपको अभी फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए भी आपको रेडी रहना है, ठीक। और जैसे ही आप अपना करा लें, फीस को सबमिट कर लें, तो एडमिशन कार्ड जो है उसको तुरंत डाउनलोड भी कर लें, ठीक। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन कार्ड को डाउनलोड करने के बाद स्थिर बैठ जाते हैं कि अब हमें कॉल आएगी तो हम जाएंगे। तो आपको फिज़िकल जो आपका दस्तावेज है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको प्रिपेयर रखना है, रेडी रखना है विद फोटोकॉपी के साथ, ठीक। अपनी रिसेंट साइज़ की फ़ोटोग्राफी, सारी चीज़ें आपको रखना है। कभी भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित आपको फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए समय दिया जा सकता है, ठीक। तो उस संदर्भ में आपको सचेत रहना पड़ेगा। चलिए अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें। जय हिंद।